वो उनका खाना वो खाते रहे हैं, क्योंकि वो जा रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मतलब चर्चा इस पर हो, तो इनका सफाया होगा। तेजस्वी के खिलाफ आज चार्जशीट नहीं है, तेजस्वी को मोच पे नहीं आया था, तब का केस हम पर, मुकदमा हम पर, और केस खत्म हो रहा है, समापन भी हो रहा है। तेजस्वी को रिमांडाइज करने का सब साजिश है। कम महागठबंधन को कम से कम 300 सीट आएगा, 300 सीट आ जाएगा सर। पीएम हो, जो भी पीएम हो, बिना पत्नी का नहीं रहना चाहिए प्रधानमंत्री कोठी में। भ्रष्ट लोगों का कन्वेनर अभी देखा ना, कि जो जिसको करप्ट कहते थे उसी को मंत्री बनाए वहाँ महाराष्ट्र में। ये दुमुहा लोग है। बुखार पकड़ने के लिए पहला अध्याय हुआ है, हम लोग पटना में बैठे थे, अगला अभी बेंगलोर में होने वाला है। सर बेंगलुरु में इसका कोई असर पड़ेगा सर? बात सुनिए ना, बेंगलोर में किस चीज का असर पड़ेगा? हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं 17 पार्टी के लोग, बात सुनो ना। उनका कहना था तो वो कहते रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो कहेंगे ना, वो उनका कहना वो कहते रहे हैं, क्योंकि वो जा रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मतलब चर्चा इस पर हो, तो इनका सफाया होगा। शरद पवार भी मजबूत नेता है, ये भतीजा का क्या असर है? सर भतीजा कह रहा है कि आप बूढ़े हो गए, रिटायर हो जाइए। उनको कहने से रिटायर हो जाएंगे? वो बूढ़ा आदमी रिटायर होता है करके, राजनीति में रिटायर नहीं होता। सर कर्नाटका असेंबली ने एक बिल पास किया विधायकों को लेकर के, जिसमें कि टोल टैक्स, जो टोल बूथ होता है ना, टोल टैक्स वहाँ पे अलग से उनके लिए लाइन बनेगा, क्या लगता है सर? कहेगा टोल बूथ होता है ना, उसमें अलग से लाइन में वीआईपी लाइन के लिए पास हुआ एक बिल, कैसे देखते हैं सर इसको आप कर्नाटका में? अब वो अपना प्रयोग कर रहे हैं जी, सरकार बननी है तो सरकार में लोग इसका अनुभव का फायदा लेंगे, अच्छा काम होगा तो हम लोग भी अपनाएंगे। सर तेजस्वी जी के खिलाफ एक सीबीआई ने चार्ज किया है, तेजस्वी के खिलाफ आज चार्जशीट नहीं है, तेजस्वी को मोच पे नहीं आया था, तब का केस हम पर, मुकदमा हम पर, सर क्या लगता है? केस खत्म हो रहा है, समापन भी हो रहा है। तेजस्वी को रिमांडाइज करने का सब साजिश है, इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं। चलिए सर 2024 में क्या लगता है सर महागठबंधन की कितनी सीटें आएंगी तकरीबन? कम महागठबंधन को कम से कम 300 सीट आएगा, 300 सीट आ जाएगा सर। सर पीएम के चेहरा कौन होंगे सर? आपने उस दिन बोला कि राहुल गांधी के बारे में कि शादी कर लीजिए, क्या वही होंगे पीएम के पीएम पर उम्मीदवार? शादी करने के बाद अलग है, पीएम बनने पीएम हो, जो भी पीएम हो, बिना पत्नी का नहीं रहना चाहिए प्रधानमंत्री कोठी में। क्या लगता है सर राहुल? प्रधानमंत्री बिना पत्नी के लोग जो रहते हैं प्रधानमंत्री के कोठी में, ये बहुत गलत है जी, ये खत्म करना चाहिए। आज जो भी हो वो पत्नी के साथ है। सर मोदी जी कहते हैं कि हम एक भी भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने वो भ्रष्टाचारियों के कन्वेनर है, भ्रष्ट लोगों का कन्वेनर है, अभी देखा ना कि जो जिसको करप्ट कहते थे उसी को मंत्री बनाए वहाँ महाराष्ट्र में। ये दुमुहा लोग है। बेंगलुरु में मीटिंग में क्या क्या चर्चा होगी सर? यही सब चर्चा होगा जो आप बोल रहे हैं।